नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुबोध शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर, जहां T20 मैच की टिकट की कालाबाजारी सामने आई है। 13 टिकट के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 1 दिसंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच खेला जाना है, उससे पहले टिकटों की कालाबाजारी हो रही है T20 मैच के लिए। रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच होगा T20 चौथा मुकाबला 1 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। 13 टिकट के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 1 दिसंबर को रायपुर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाना है। तो टिकटों की मारामारी के बीच में टिकटों की कालाबाजारी भी हो रही है। 13 टिकट के साथ 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 1 दिसंबर को होना है T20 मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, चौथा T20 मुकाबला यह होगा। टिकटों के लिए लोग परेशान होते हुए नजर आए और इसी का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, धोखाधड़ी करने वाले लोग, कालाबाजारी करने वाले आरोपी। 13 टिकट के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। एक दिसंबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर में T20 मैच, चौथा T20 मैच खेला जाना है और इसी के बीच में T20 मैच के टिकट की कालाबाजारी भी हो रही है। 13 टिकट के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे रायपुर संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, कल हमने देखा था किस तरीके से कुछ युवा, कुछ लोग टिकटों के लिए बेहद परेशान होते हुए नजर आए हैं और इसी का फायदा कहीं ना कहीं कुछ आरोपी उठाते हैं। कालाबाजारी भी टिकटों की शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए टिकट की मारामारी है और ऑनलाइन टिकट मिल रहे हैं, फिजिकली उसे ले रहे हैं जरूर जा करके, लेकिन इस बीच कालाबाजारी का जो मामला है वो सामने आया है। 4 आरोपियों को 13 टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया है और ये कहा जा सकता है कि टिकट की कालाबाजारी होते ही एंटी एंड साइबर क्राइम यूनिट की टीम ने उन्हें पकड़ा है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि किस तरह से, कहां इतने बड़ी मात्रा में उन्हें टिकट बरामद हुआ है, कैसा है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में मैच का आयोजन होना है पर ऐसे में टिकट की कालाबाजारी है। 1 दिसंबर को मैच होगा और मंदिर हसौद के जो निवासी है अनिल जांगड़े, आकाश कुमार धीवर और सिविल लाइन के जो निवासी है बबलू नायक और आशीष मिश्रा, ये चारों को गिरफ्तार करके 13 टिकट को जब्त किया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच है वो कर रही है। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो चौथे T20 मैच के लिए भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। रायपुर एयरपोर्ट पर फैंस ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। 1 दिसंबर को शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में इस सीरीज का चौथा T20 मैच खेला जाना है। इससे पहले 30 दिसंबर को दोनों ही टीमों के खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस भी करेंगे और ये देखिए खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान है इस समय भारत के, आपको नजर आ रहे होंगे। ऋतुराज गायकवाड़ भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो रायपुर एयरपोर्ट पर दोनों ही टीमें पहुंची, उसके बाद होटल के लिए गई। यशस्वी जायसवाल युवा धाकड़ बल्लेबाज भारत के, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, तो पूरी टीम सूर्य कुमार यादव स्काई जो कि टीम के कप्तान हैं, अच्छा खेल दिखा रही है भारतीय टीम। चौथा T20 मुकाबला, अगर इस मैच को भारतीय टीम जीतेगी रायपुर में तो सीरीज सील कर देगी, क्योंकि 2-1 से भारतीय टीम अभी सीरीज में आगे चल रही है और क्रिकेट फैंस काफी उत्साहित हैं। रायपुरवासी, छत्तीसगढ़वासी काफी उत्साहित हैं इस मैच के लिए। जोरदार स्वागत हुआ क्रिकेट खिलाड़ियों का भारतीय टीम का स्टेट एयरपोर्ट पर। तो देखिए 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सभी चर्चा कर रहे हैं किसकी सरकार बनेगी और किसको निराशा हाथ लगेगी। इसी बीच न्यूज 18 पर पंडोखर सरकार ने सबसे बड़ा दावा किया
उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भूपेश बघेल फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहुत बड़ा दावा पंडोखर महाराज का, पंडोखर सरकार का। न्यूज 18 ने उनसे खास बातचीत की थी। जब सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब बात हुई तो उनका कहना था कि भूपेश बघेल फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। थोड़ा भाजपा की ओर वोट मत बढ़ा है और आगे थोड़ा सा वहां भी टकराव बन गया है, लेकिन वहां भी कांग्रेस की सरकार ही आगे बनती दिख रही है, ऐसा मैंने देखा था और वही बन रहा है। 99% छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आते दिख रही है। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों से पहले सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। काउंटिंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। तो रिजल्ट से पहले सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात हुई थी। सोनिया गांधी से भी वो मिलने पहुंचे थे और काउंटिंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतगणना से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी एक्टिव है। 2 दिसंबर को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर आएंगे और राजधानी में चुनाव परिणाम को लेकर बैठक लेंगे। वॉर रूम में बैठक करके नतीजों को लेकर पल पल का अपडेट भी वो देंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया। माथुर ने ट्वीट में दावा किया कि हम राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाले हैं। राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। 3 दिसंबर को बीजेपी की जीत होगी। तो ओम माथुर का यह ट्वीट, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का ट्वीट, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, बीजेपी की जीत होगी, राजनीति के पंडित को बीजेपी चौंका कर रख देगी, बीजेपी शानदार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में भी जीत का दावा किया है ओम माथुर ने। तो इधर ओम माथुर के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि चुनाव वाले सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी का कमल नहीं खिलने वाला। वहीं बीजेपी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है, कांग्रेस ने 5 सालों में जनता का भरोसा खो दिया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, मिजोरम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अनेक राजनीतिक पंडित हैं, सर्वे करने वाले जो लोग हैं और जनता का रुझान 5 प्रदेशों में कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस की सरकार यहाँ बन रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल अब कहीं खिलने वाला नहीं है। 2023 में इन 5 राज्यों में कांग्रेस जीतेगी और 2024 में केंद्र से भी नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई तय है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा खो दिया है और इसीलिए लगातार कांग्रेस के नेता भरोसा तलाशते, लगातार देखे गए, भरोसे का सम्मेलन करते देखे गए। कुल मिलाकर के भरोसे के संकट से जूझ रही कांग्रेस हार मान चुकी है। आने वाले समय में जब 3 तारीख को परिणाम निकल करके आएंगे, जनता का सकारात्मक प्रतिसाद, जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशी को मिला है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 3 तारीख को जब परिणाम निकल करके आएंगे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी कांग्रेस का अगला और बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव है, लिहाजा दोनों ही दल अलर्ट हैं और लोकसभा चुनाव से पहले भीतरघातियों को चिन्हित कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी भी शुरू हो गई है।
जनता के भरोसे की परीक्षा में किसे कितने नंबर मिलेंगे, इसका रिपोर्ट कार्ड तो 3 दिसंबर को सामने आएगा, लेकिन नतीजों से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस ने मिशन 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनावी रणनीति से पहले दोनों दलों के निशाने पर घर के भेदिए हैं, भीतर घातियों पर एक्शन की फुल तैयारी है। यही वजह है कि विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का बड़ा महत्व है और निश्चित रूप से जो भी शिकायतें आएंगी उसके पर विचार करेंगे और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर कांग्रेस एक कदम आगे है, मतगणना से पहले ही सभी 90 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को रायपुर बुलवाकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल 1-to-1 चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही भीतर घातियों की लिस्ट अनुशासन समिति के बीच रखने की तैयारी पूरी है, ताकि पार्टी और संगठन को कमजोर करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। कार्यों को लेकर देखें, उनके विधानसभा में किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, अगर उनको लगा कोई विरोध कर रहा था तो उसकी भी सूची उन लोगों ने सौंपी होगी, उस जानकारी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति को भेजा जाएगा। जहाँ पे गंभीर आरोप थे, जहाँ पे गंभीर बातें दिखी, तत्काल उस पर नोटिस देने का काम किया गया, निलंबन करने का काम किया गया, और जो लोग बच गए हैं 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी उसमें निर्णय होगा और अनुशासन समिति के सामने मामला जाएगा। छत्तीसगढ़ के रण को कौन जीतने वाला है और किसके सिर पर जीत का ताज सजने वाला है, ये तो ईवीएम का पिटारा खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस सतर्क हो गई है और घर में छिपे जयचंदों पर एक्शन के मोड में आ गई है, ताकि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी भीतर घातियों से पार्टी को उबारा जा सके। उमेश मौर्य, न्यूज 18, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता युगल तिवारी ने। तीन दिसंबर को मतगणना होगी और उसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं, देखिए स्ट्रांग रूम पर, यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कोई भी परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर मतगणना का कार्य है वो किया जाएगा। आरओ, एआरओ और उसके अलावा जो प्रत्याशी यहां पर आएंगे, साथ ही साथ जो अलग अलग राजनीतिक दल के जो समर्थक आएंगे उनकी कार पार्किंग की पृथक सी व्यवस्था की गई है और लगभग 600 से अधिक पुलिस के जवान है, सुरक्षा बल है, उनकी तैनाती रहेगी और 7 विधानसभा रायपुर जिले के जो है उनके यहां पर गणना का काम है वो शुरू होगा और उसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। किसी तरह की अव्यवस्था ना हो उसका विशेष ख्याल रखा गया है और अंदर जो स्ट्रांग रूम है वहां किसी के भी जाने को मनाही है और सीसीटीवी लगा करके उसकी पूरी सतत निगरानी की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। कोरबा की 4 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की तैयारी हो चुकी है। काउंटिंग के लिए बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोरबा और रामपुर विधानसभा में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे और पोस्टल बैलेट की सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। 4 विधानसभा हैं, चारों विधानसभा में पोस्टल बैलेट के लिए जितने भी हमारे पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग टेबल लगाने की व्यवस्था हुई है। मशीनों के लिए 14 टेबल लगेंगे सभी विधानसभाओं में और पोस्टल बैलेट के लिए 3 टेबल जो है वो एडिशनल रहेगा। कोरबा विधानसभा में, रामपुर, पाली, थानाकर और कटघोरा विधानसभा में 2-2 टेबल रहेंगे। चारों विधानसभा में एटी पीबीएस के लिए 1-1 टेबल एडिशनल लगाए जाएंगे। अब बात जशपुर की करते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 3 घंटे के भीतर ही अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया और अगवा छात्रा को बरामद कर दिया। साथ ही इस मामले में एक आरोपी को भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, सुबह स्कूल जाने के दौरान अपराधियों ने छात्रा को किडनैप कर लिया था। उसे सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची जो स्कूल के लिए घर से निकली थी उसका अज्ञात वाहन सवारों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसमें जसपुर पुलिस ने तत्काल टीम गठित करके कार्रवाई आरंभ की। सरहदी थानों को भी बताया गया, झारखंड को भी अवगत कराया गया और नाकेबंदी की गई। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिससे वाहन के बारे में जानकारी मिली और
पुलिस ने जो है 3 घंटे में ही बच्ची को बरामद कर लिया है। वहीं कोरबा में युवती का कंकाल मिला है जो कि 2 महीने से लापता थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रेमी ने ही युवती की हत्या की है और आरोपियों ने परिजनों से 15 लाख की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कोरबा में युवती का कंकाल मिला, 2 महीने से युवती लापता थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रेमी ने ही युवती की हत्या कर दी। आरोपियों ने परिजनों से 15 लाख की मांग भी की थी, 15 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर कांकेर से, जहां कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने आईडी बम बरामद किया। इसे डिफ्यूज करने के दौरान एक जवान घायल भी हो गया। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। और आपको बता दें कि जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईडी बम प्लान किया था। डिफ्यूज करने के दौरान एक जवान घायल भी हो गया और घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। अब बात करेंगे बलौदाबाजार की, जहां वैध रेत परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। खनिज विभाग की टीम ने यहां कार्रवाई करते हुए 1 हफ्ते के भीतर अवैध रेत का परिवहन करते हुए 11 वाहनों को जब्त किया। साथ ही 5 अवैध रेत स्टॉक और 2 घाटों पर कार्रवाई की है।